एंड वेलकम टू आर्ट अटैक। ये वही शो है जो ये सिखाता है कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो उठाइए अपने पेंट्स और ब्रशेस और तैयार हो जाइए ये बनाने के लिए। आज हम बनाएंगे एक शक्तिशाली चीज जिससे आपको ताकत मिलेगी, एक डिजाइन जो आपको हंसी से लोटपोट कर देगा, एक इनविजिबल तकनीक जिससे आप अपने किरदारों को सजा सकते हैं, पहनने के लिए एक बढ़िया चीज जो आई है हमारे आर्ट अटैक के कबीले से, और नारियल अन्ना की कुछ बढ़िया चटपटी बातें। क्या आप सुपर हीरो की कहानियां बनाना चाहते हैं? मैं बताता हूँ कैसे खुद को एक ताकतवर किरदार में तब्दील करके आप अपनी कहानी के हीरो बन सकते हैं। बस आपको चाहिए आर्ट अटैक फिस्ट, और अब मैं बहुत बलशाली बन चुका हूं। इसे बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक इस तरह की प्लास्टिक बॉटल की। इसे काटने के लिए आप किसी बड़े की मदद लीजिए और ये कुछ इस तरह की दिखेगी। इसे देखिए, आपको एक ऐसी बॉटल चाहिए जो आपके हाथ के साइज जितनी हो। ये तो बिल्कुल सही बैठ रही है। अब हमें ढेर सारे न्यूज़पेपर की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम उंगलियों से शुरू करेंगे। वैसे क्या आपने कभी अपनी उंगलियों को गौर से देखा है? चलिए देखते हैं। यह है छोटी उंगली, यह है अंगूठी पहनने वाली उंगली, यह है बीच वाली उंगली, यह है अंगूठे के पास वाली उंगली, और यह है अंगूठा। क्या आप इन्हें बना सकते हैं? अरे सोचना क्या है हुजूर, बिल्कुल बना सकते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर का एक बॉल बनाइए और उसे टेप से चिपका दीजिए। जब यह हो जाए तब टेप की मदद से इसे बॉटल के निचले हिस्से पर चिपका दीजिए। अब हम उंगलियां बनाएंगे। हम अंगूठे के पास वाली उंगली से शुरू करेंगे। न्यूज़पेपर का एक पन्ना लीजिए और उसे ऐसे रोल कर दीजिए। अब उसे आधे में मोड़िए और टेप से इसे एक मुड़ा हुआ आकार दीजिए। देखिए कुछ इस तरह। आप जितना चाहें उतना टेप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये मुड़ने पर टूटे नहीं। क्योंकि ये काफी छोटा है इसलिए मैं ज्यादा पेपर और टेप का इस्तेमाल करूंगा। हमें इसकी टिप को गोल बनाने की जरूरत है, जैसे आपकी उंगलियों की टिप्स होती हैं। मैं और पेपर लगाने वाला हूँ ताकि उंगली और बड़ी बन सके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मुट्ठी होने वाली है। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब आपको इसी साइज की दो और उंगलियां बनानी है, जो होंगी बीच वाली उंगली और अंगूठी पहनने वाली उंगली। अब हम बनाएंगे छोटी उंगली और अंगूठा। अब हम हथेली बनाने वाले हैं। ये करने के लिए न्यूज़पेपर का एक पन्ना लीजिए और उसे कछुए के कवच जैसा खोखला बनाइए। इसी तरह एक और बनाइए और फिर आपके पास दो कवच होंगे। अब हम हाथ और उंगलियों को साथ में जोड़ने वाले हैं। सबसे पहले छोटी उंगली से शुरू करें, इसके बाद अंगूठी पहनने वाली उंगली लगाइए। अब हथेली के हिस्सों को इस तरह से साथ में लगाइए। आपको बीच की उंगली और बड़ी उंगली के साथ भी यही करना है। इन्हें टेप से अच्छी तरह से चिपका दीजिए। इसके बाद इसके नीचे हथेली का दूसरा हिस्सा लगा दीजिए, और आखिर में मैं लगाऊंगा अंगूठे को। हाथ का ऊपरी हिस्सा बनाने के लिए न्यूज़पेपर को मोड़कर रेक्टेंगल्स बनाइए। इन्हें उंगलियों के ऊपर जोड़ दें ताकि उंगलियां जगह से हिले ना। अब जब तक आपको कलाई नहीं मिल जाती बाकी के रेक्टेंगल्स भी लगाते रहिए इस तरह से। देखा मैंने किस तरह ये मुट्ठी बनाई है? वाह क्या बात है, मैं तो अभी से ही अपने हाथों की ताकत महसूस कर सकता हूँ। देखा मुट्ठी कितनी बढ़िया बन गई है, एकदम मजबूत। जहां जहां जरूरत थी मैंने वहां और न्यूज़पेपर लगा दिया है, जैसे कि इधर और इधर भी। पर हाथ का ऊपरी हिस्सा अभी भी काफी छोटा है, तो चलिए इसमें थोड़ा और न्यूज़पेपर लगाते हैं। फोराम बनाने के लिए न्यूज़पेपर की पट्टियां बनाइए, और जब तक आपको अपनी कलाई नहीं मिल जाती इन्हें बॉटल पर चिपकाते रहिए। जैसे जैसे ये कलाई तक पहुंचेगा आपको इसे पतला बनाते रहना होगा। ढेर सारे टेप की मदद से पट्टियों को एक दूसरे पर चिपका दीजिए। आखिर में न्यूज़पेपर की पट्टियां काटिए और उन्हें आर्ट अटैक पेस्ट से चिपका दीजिए, जो ग्लू और पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर बनता है। इसे पूरी तरह पेस्ट से ढक दीजिए ताकि ये बहुत ही मजबूत हो जाए। याद रहे ये बहुत ही तगड़ी मुट्ठी बनने वाली है। अब ये मुट्ठी एकदम लोहे जैसी सख्त हो चुकी है। भले ही ये पेपर से क्यों ना बनी हो, पर ये राज किसी को पता नहीं चलने वाला। अब हम इसे पेंट करने वाले हैं ताकि सबको ये लगे कि ये असली लोहे की बनी हुई है। तो चलिए काम पर लग जाइए और बोलिए तम लगा कर हईशा। पूरी मुट्ठी को सिल्वर कलर करें। आपको इस पर कोई डिटेल्स नहीं बनानी है, इसलिए जल्दी पेंट करने के लिए एक मोटे ब्रश का इस्तेमाल करें। अब हमारी मुट्ठी लोहे जैसी लगने लगी है,
मुझे पूरा यकीन है कि बनने के बाद ये वाकई बहुत दमदार लगेगी। सूखने के बाद कलाई पर एक काले मार्कर से डिजाइन बनाइए ताकि आपका स्टाइल इसमें दिख सके। आप चाहें तो इसमें काला कलर कर सकते हैं ताकि ये और भी ठोस लगे। देखिए, अब मैं पतले ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं ध्यान से इसमें स्ट्रोक्स बना सकूं। आप काले रंग से उंगलियों के बीच में शेडिंग कर सकते हैं। दोनों रंगों को एक साथ मिलाने से आपकी मुट्ठी और भी भारी भरकम लगेगी। देखा, आपकी मुट्ठी कितनी बढ़िया लग रही है। जरा देखिए तो, ये कितना मजेदार दिख रहा है। आखिर में पेंट सूखने पर एक काले मार्कर से वो सारी डिटेल्स बनाइए जिससे ये एक असली लोहे की मुट्ठी लगेगी। परफेक्ट। देखिए ये कैसे चमक रही है, और मेरी लोहे की मुट्ठी एकदम मजबूत भी लग रही है। अब तो पूरे इलाके में आप जैसा ताकतवर इंसान कोई नहीं होगा। पर अगर ये लोहे की मुट्ठी आपके अगले मिशन में काम ना आए तो घबराइए नहीं। ये है मेरी आग वाली मुट्ठी। ये बर्फ को पिघलाने के लिए है। मैंने इसे पहले वाले की तरह ही बनाया है, पर यहां मैंने लपटे बनाई है ताकि आग का एहसास हो। चलिए इसे आजमा कर देखते हैं। वो ये तो काफी गर्म लग रही है। और अचानक अगर आपके किरदार को अपनी ताकत बढ़ानी हो और उसे पत्थर की ताकत की जरूरत पड़े तो ये रही आपकी पत्थर वाली मुट्ठी। इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। अब है आपकी बारी प्लास्टिक बॉटल और न्यूज़पेपर से मुट्ठी बनाने की और अपनी सोच से एक उड़ान भरने की ताकि आप भी एक जाबाज सुपर हीरो बन सकें। नमस्कार, मैं हूँ नारियल अन्ना, 24 घंटे चौकन्ना, और मुझे मजबूत मुक्के अच्छे लगते हैं। चलिए नारियल टीवी पे देखते हैं कि मजबूत मुक्का कैसे बनाया जाता है। प्लास्टिक बोतल को आधा काटिए और बेस पर न्यूज़पेपर का बड़ा सा गोला चिपकाइए। न्यूज़पेपर से ही उंगलियां भी बनाइए और टेप से चिपका दीजिए। पाम के लिए दो न्यूज़पेपर शेल्स लगा दीजिए और हाथ के ऊपर न्यूज़पेपर की स्ट्रिप्स लगा दीजिए। न्यूज़पेपर मोड़कर बोतल को लगा देने से आपका फोरआर्म तैयार हो जाएगा। उसके बाद हाथ की मजबूती के लिए इसे अर्थ टाइप पेस्ट और टेप से कवर कर दीजिए। उसके बाद कलरिंग, शेडिंग और आउटलाइनिंग कीजिए। अब ये हाथ नहीं हथौड़ा है, अब नारियल अन्ना घूमेगी और दुनिया को अपने आर्ट से अटैक करेगी। मैं दुनिया को सिखाएगी कि कचरे को रिसाइकल करके कैसे आर्ट बनाते हैं। क्या आप मुझे ज्वाइन करेंगे दोस्तों? क्योंकि इससे अपना पूरा प्लेनेट साफ सुथरा हो जाएगा। क्यों, क्या कहते हो? है ना ये कमाल का इको फ्रेंडली आइडिया? जानते हैं यहां आर्ट अटैक में हम सब क्या कहते हैं कि आप हर चीज से आर्ट पैदा कर सकते हैं। वैसे अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होता तो जरा इस शानदार नई कलाकृति पर नजर डालिए जो एलेक्स ने अभी भी बनाई है। पर उसे सिर्फ देखते मत रहिएगा, ये भी सोचेगा कि एलेक्स आखिर बना क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आप बता पाते हैं कि नहीं।
क्या कमाल का आइडिया है, राजा और रानी के मनोरंजन के लिए एक जोकर। पुराने जमाने में ऐसे जोकरों की बहुत अहमियत होती थी, वो पूरे महल को अपने कॉमेडी से हंसाकर पागल कर देते थे। अगर मैं उस जमाने में पैदा हुआ होता तो मैं भी सबको बहुत हंसा था। अगर आप ऐसे ही ड्राइंग्स और कई तरह के शानदार आर्टिस्टिक चीजें बनाना सीखना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए आर्ट अटैक वेबसाइट www.disney.in पर, जहां आपको ऐसे ही कई आइडियाज मिलेंगे जिससे आप अपने अंदर के छुपे हुए कलाकार को बाहर निकाल सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कुछ बनाना हो और आपका पेपर खत्म हो जाए? अरे कोई बात नहीं, आर्ट की दुनिया में पेपर के अलावा और भी कई तरह की चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं। आप हर तरह के कपड़े पर पेंट कर सकते हैं, पर बेहतर होगा कि आप कोई ऐसा कपड़ा लें जो इस्तेमाल ना हो रहा हो। अगर आपको ऐसा कोई कपड़ा ना मिले तो इस्तेमाल करने से पहले अपने मम्मी या पापा से एक बार जरूर पूछ लें। आपको इसे अच्छी तरह से खींचना है और ये इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा। इसमें सबसे बढ़िया चीज है कि हम इसके लाल रंग का फायदा उठाएंगे और इसे एक खास तरह से अपने ड्राइंग का हिस्सा बनाएंगे। कपड़े पर पेंट करने के लिए आपको इसे कसके खींचना होगा। ऐसा करने के लिए कपड़े पर एक छोटा कार्डबोर्ड रखें और टेप से एक्स्ट्रा कपड़े को कार्डबोर्ड पर चिपका दीजिए। इसे ठीक से चिपकाने के लिए किनारों पर टेप लगा दें। अब हमें इस पर ड्रॉ करना होगा, पर उससे पहले पानी में थोड़ा ग्लू मिलाइए और फिर पूरी सरफेस को उससे ढक दीजिए। वैसे इस पर एक भालू की ड्राइंग कैसी रहेगी? मैं ये बनाना चाहता हूँ, पर आप जो चाहते हैं बना सकते हैं। ये उसके सर की आउटलाइन है, ये रही उसकी आंखें, उसकी नाक और उसकी प्यारी सी आईब्राउज। ये है उसका मुंह जिस पर बड़ी सी मुस्कुराहट है। भालू की टी शर्ट होने वाली है लाल, जो उस कपड़े का भी कलर है, तो इसलिए हम इसे नहीं बनाएंगे बल्कि इसका आकार सोचेंगे। देखिए, इसने हाथों में एक शहद की बरनी पकड़ी हुई है। देखिए ये ड्राइंग कितनी बढ़िया लग रही है। देखा किस तरह मैंने इस लाल कपड़े का फायदा उठाया है इसकी लाल टी शर्ट बनाने के लिए। जब ड्राइंग तैयार हो जाएगी तो आप टी शर्ट का आकार पहचान पाएंगे, जबकि हमने इसकी आउटलाइन तक नहीं बनाई है। और जैसे जैसे हम इसे कलर करेंगे इसका इफेक्ट और भी ज्यादा दिलचस्प होता जाएगा। पहले हम उसके चेहरे की डिटेल्स को काले रंग से भरेंगे। सबसे पहले बनाएंगे आंखें, फिर नाक और उसका मुस्कुराता हुआ मुंह। अब मैं एक डार्क येलो कलर लूंगा उसके बाकी के चेहरे, हाथ और पैरों को कलर करने के लिए। मैं शहद की बरनी के लिए दो रंगों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नीला और जामुनी। बरनी के किनारे से गिरने वाले शहद को मैं पीला रंग करूंगा। अब बारी है इसके कानों पर कुछ चमकती हुई बारीकियां बनाने की। मैं इसके कंधों पर थोड़ा शेड करूंगा और शहद की बरनी का रिफ्लेक्शन भी बनाऊंगा। देखा आपने, कुछ ना बनाने पर भी हम इसकी टी शर्ट का आकार देख सकते हैं, है ना ये कमाल? बहुत खूब। मैंने कहा था ना कि आप इस इनविजिबल तकनीक से कमाल की चीजें कर सकते हैं। आप इसे किसी भी तरह की ड्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस सही तरह का कपड़ा ढूंढना होगा ताकि आप इस इफेक्ट का जादू देख सकें। अब एक नजर जरा इन किरदारों पर डालिए। यहां आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये जगह खाली छोड़कर आप बैकग्राउंड और बाकी की ड्राइंग को आपस में खुलता मिलता देख सकते हैं। ये रही इसकी बो और ये रही इसकी स्कर्ट। देखा? और अब इस ड्राइंग को भी देखिए। इसमें हम जूते की मदद से इसकी जींस को पहचान सकते हैं। अब है आपकी बारी, एक खास कपड़ा ढूंढकर कुछ ऐसा बनाइए जिससे सबके होश उड़ जाएं। हवा की झोंकी अक्सर मेरे लिए काम की चीज लाते हैं और कल तो वो मेरे लिए कपड़े का एक टुकड़ा ले आई। मैंने उसे इस्तेमाल किया और देखो क्या मजेदार चीज बनाई, छोटा नारियल अन्ना। फिर भी ये पैटर्न मेरे पत्तों से मैच नहीं करेगी।
चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आर्ट अटैक कबीले में हर वो जांबाज जो बॉटल्स और पेपर को रिसाइकल करके कचरे को कम करता है उसे एक जादुई दांत दिया जाता है। इस अनमोल सी चीज की ताकत से आप जो चाहे वो बना सकते हैं। क्या आप एक कारीगर बनकर खुद का एक जादुई दांत वाला पेंडेंट बनाना चाहते हैं? तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर, पानी और ग्लू की जरूरत पड़ेगी। आप एक पानी के प्याले में न्यूज़पेपर के टुकड़े डालिए और उन्हें पूरा दिन भिगो कर रखिए। ऐसा करने से आपको पेपर मैशे मिल जाएगा जिससे आप अपने जादुई दांत को आकार देंगे। मेरी मानिए तो ये करने के लिए एक प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी मेज गंदी ना हो। और अब आगे ध्यान से देखिए। जब पेपर सारा पानी खींच लेगा तो इस मिश्रण को एक छलनी में डालिए और इसे अच्छे से दबाइए ताकि सारा पानी निकल जाए। इसके बाद इसमें अपने हाथों से ग्लू डालिए और अच्छे से मिलाइए जब तक ये एक ठोस रूप ना ले ले। ये कुछ इस तरह दिखना चाहिए। हमें जिस पेपर मैशे की जरूरत थी वो हमें मिल गया। अब एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लें और उसका एक छोटा सा हिस्सा काट लें। इसे किसी बड़े की मदद से काट लीजिए। पेपर मैशे की मदद से इस तरह का एक छोटा स्क्वायर बनाइए। इसे प्लास्टिक की एक शीट पर रखिए और आपने जो स्ट्रॉ का टुकड़ा काटा था उसे बीच में रख दीजिए। इसी तरह से एक और स्क्वायर बनाइए और इसे दूसरे वाले के ऊपर रख दीजिए। पर याद रहे कि स्ट्रॉ के होल्स को मत ढकिएगा। फिर इसे एक ट्रायंगल बनाकर पूरा कीजिए ताकि इस हिस्से को एक दांत जैसा आकार मिल जाए। ग्लू लगाइए और इसे चपटा कर दीजिए ताकि और भी बढ़िया दिखे। आखिर में टिप को एक तरफ मोड़ दीजिए। वाह, जादुई दांत तो अभी से आकार लेने लगा है। अब हमें इस तरह का एक बड़ा धागा चाहिए ताकि इसे माला की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इसे इस तरह से डालिए, देखिए, और ऐसे निकाल लीजिए। है ना कितना आसान। पर अभी भी ये पहनने लायक नहीं हुआ है, तो आगे देखिए कि क्या होने वाला है। अब हम इस हार के हीरे जवाहरात बनाएंगे। आपको इस तरह से एक गोल चीज बनानी होगी। अब इस पर धागा रखिए और थोड़ा ग्लू लगाइए। अब एक और गोल पीस इसके ऊपर रखिए। देखा, चलिए एक बार फिर दोहराते हैं। धागा, ग्लू और ऊपर एक और पीस। आप जितने चाहे उतने जवाहरात बना सकते हैं। अब नेकलेस तैयार हो गया है। कमी है तो कुछ बढ़िया चमकीले रंगों की। तो आप अपने पेंट्स, ब्रशेस और मार्कर लेकर तैयार हो जाइए। मेरे हिसाब से आपको पहले अपना जादुई डिजाइन बनाने के लिए एक पेंसिल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नेकलेस आप अपने लिए बना रहे हैं, इसलिए इसे अपने पसंद से बनाइए। पेंट बहुत रंग बिरंगा होना चाहिए ताकि हर किसी की नजर इस जादुई दांत पर पड़े। हम इस्तेमाल करेंगे टर्कोइस और पिंक कलर का। अब हम पत्थरों में थोड़ा सफेद रंग भरेंगे। मेरी मानिए तो इसके लिए एक पतले ब्रश का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये बहुत छोटे हैं और इसमें काफी बारीकियां भी हैं। हम दांत पर थोड़े काले रंग का इस्तेमाल करेंगे। मैं इन पट्टियों पर पीला रंग करूंगा। ये कमाल का लग रहा है ना। यकीन मानिए ये नेकलेस बिल्कुल अलग दिखेगा। तो अब इंतजार किसका है? अपना आर्ट अटैक नेकलेस पहनिए और निकल जाइए शान से घूमने फिरने। वैसे आप इसी तरह कई और चीजें बना सकते हैं। जरा इस कीड़े वाले नेकलेस को देखिए। इन पीसेस को आकार दीजिए और सूखने से पहले इन पैरों को जोड़ दीजिए। ऐसा लगेगा जैसे कि आप अपने गार्डन के हीरो हैं। और अगर आपके पास कोई डॉगी हो तो ये वाली माला बनाइए। देखिए हड्डियों वाला ये नेकलेस कितना बढ़िया लग रहा है। अब है आपकी बारी अपने लिए कुछ बढ़िया नेकलेस बनाकर आर्ट अटैक कबीले का हिस्सा बनने की। दोस्तों अब हमारा समय पूरा हो गया है, पर आप अपने लिए बढ़िया कलाकृतियां बना सकते हैं। तो इंतजार किसका है? शुरू हो जाइए। अब मैं चलता हूं, पर फिर मिलेंगे आर्ट अटैक के अगले एपिसोड में। अलविदा मेरे दोस्तों।